Hey guys, this is Dipali and welcome to my channel, The Dazzling Dipali. आज की वीडियो में गाइस बात करेंगे ब्लीच के तुरंत बाद अगर आपका फेस काला पड़ जाता है तब आप क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में गाइस जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है ब्लीच आपने यूज करी तो आपका स्किन टोन फेयर होने के बजाय एकदम से काला पड़ जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और जानते हैं कि ब्लीच से अगर फेस काला हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए गाइस आपको चाहिए पुदीना, ये यहाँ पर मैंने सुखा लिया है क्योंकि ये आपको हर सीजन में नहीं मिलता, तो इसलिए ये मैंने सुखा लिया है ताकि मुझको ये हर सीजन में मिल पाए। अगर आपको भी सीखना है कि इसको कैसे सुखाया जाता है या इसका पाउडर आप कैसे बना सकते हो तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगी, तो आप देख सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, चाहो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं मिल पाता तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसका पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर लिंक मुझे मिला तो मैं उसको भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हो ये ब्लीच से अगर गाइस आपका फेस जल जाता है और उस पर ब्लैकनेस आ जाती है तब आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पुदीना। आप चाहो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ ड्राई कर रखा है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये हर सीज़न में नहीं मिलता तो इसलिए मैं हर बार जब भी इसका सीज़न आता है तो अच्छे से इसकी पत्तियों को सुखा लेती हूँ ताकि मुझे ये पूरी साल अच्छे से मिल पाए। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से है, और अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ आपको चाहिए रोज़ वाटर, ये आप देख सकते हो इसका पाउडर मैंने बना लिया है। अब हम डालेंगे इसमें रोज़ वाटर। अगर गाइस आपको इसको सुखाने का तरीका सीखना है तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पाउडर आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे वाटर या रोज वाटर, जो भी आपको इजीली मिल जाए आप वो ऐड कर लीजिए। अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो आप उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने फेस पर या जहां आपने ब्लीच यूज की है और वो काला पड़ गया है उस पर आप यूज कर सकते हो। तो गाइस अब मैंने इसमें वाटर, रोज वाटर मिला दिया है, आप ये देख सकते हो ये अच्छे से सोक हो गया है। अब हम इसको फेस पर यूज करेंगे, आप देख सकते हो गाइस मैंने पूरे फेस पर अच्छे से इसको यूज किया है, अच्छे से अप्लाई किया है, क्योंकि ये ड्राई है इस वजह से आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बनता है, क्योंकि ये मतलब ड्राई एक लीफ है इसलिए इसका अच्छे से पेस्ट नहीं बनता। बट आप देख सकते हो मैंने पूरे फेस पर अच्छे से इसको अप्लाई किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर आपको ये फ्रेश मिल जाता है तो और अच्छी बात है, उसका पेस्ट बनाकर आपको वहाँ वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपको वो ब्लैकनेस आई है या वो इन्फेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हो इससे आपका फेस एकदम से बहुत ठंडा हो जाएगा और जो भी स्किन बर्न की वजह से ब्लैकनेस आई है स्किन पर वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। और इसको आपको यूज़ करना है तब तक जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, ये खुद ब खुद झड़ने लगेगा, तब तक आप इसको अप्लाई करके रखो, या तो आप 20 मिनट तक इसको रखो और उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लें। 20 मिनट में ये आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ठंडक देगा और उसकी वजह से जो भी स्किन बर्न की वजह से आपकी स्किन ब्लैक हो गई है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, इसको आपको रिपीट भी करना है अगर आपका तुरंत हुआ है तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको इस पैक को अच्छे से यूज़ करना है और उसके बाद आप अपने उस ब्लैकनेस से छुटकारा पालोगे। तो आप देख सकते हो ये अब अच्छे से सूख गया है, अब देख सकते हो गाइस मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से। आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है 3 से 4 दिन तक, या तब तक जब तक आपके फेस की ब्लैकनेस खत्म नहीं हो जाती। याद रहे ये तुरंत
चेहरे पे आए हुए कालेपन के लिए था, यानी ब्लीच के बाद अगर आपको तुरंत फेस पर कालापन आ गया है तो आप यूज़ कर सकते हो इस तरह का पैक। और पुदीना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये स्किन को बहुत जल्दी ठंडक देता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो ईजी। और ये सारे स्किन टोन के लिए होता है। तो आप देख सकते हो फेस अच्छे से वॉश हो चुका है, मैंने सारा निकाल दिया है, और इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा, आप इसको ट्राई कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइज, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके। सो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय गाइज।